अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नन्हे-मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, पढ़ना लिखना हो रहा है, काम भी हो रहा है, और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, वर्जिश भी कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तंदुरुस्त रह रहे हैं, चाको चौबन रह रहे हैं जी जनाब, ताकि हम दूसरों से मुकाबला कर सकें। हाँ भाई, जब तंदुरुस्त रहेंगे, चाको चौबन रहेंगे, डरेंगे नहीं किसी से, तो कोई भी मुश्किल होगी उससे मुकाबला कर सकेंगे, है ना भाई? ये नहीं हो कि ओ मैं थक गया या मुझे जो है वो बीमार हो गया। नहीं भाई, जब हम वर्जिश करते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, तो हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं, है ना भाई? जी जनाब, यही तो हमने सीखा है अपने सबक यानी कि बाब नंबर 7 कुकड़ू में, और जिसमें हमने सीखा था कि भी मुर्गी किस तरह से सिखा रही है अपने चूज़ों को, तो हम भी सीख सकते हैं भाई, हम भी तो छोटे छोटे से चूज़े हैं। जी जनाब, हमें भी तंदुरुस्त तवाना रहना है, वर्जिश करनी है सुबह सुबह उठ के, है ना भाई? चले जी जनाब, हो गई वर्जिश, हो गए तंदुरुस्त हम, तो जब तंदुरुस्त रहेंगे तो पढ़ना भी होगा, और पढ़ेंगे हम क्या, रिवाइज करेंगे। जी जनाब, जब हम नया नया सबक पढ़ेंगे तो रिवाइज भी करेंगे, अगर हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तो हम थक जाएंगे और कहेंगे भाई हमारे नहीं से नहीं पढ़ा जा रहा, हम कैसे दोहराएं, हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा, बात ही नहीं हो रही। लेकिन जब हम तंदुरुस्त रहेंगे तो हम नया काम भी करेंगे, पिछला काम भी दोहराएंगे, और सारे काम हमारे अच्छे अच्छे हो जाएंगे, है ना भाई? चले जी जनाब, हमारा चल रहा है बाब नंबर 7, जिसका हम कर रहे हैं रिवीजन। हमने इसकी मुख्तलिफ मशकों को अच्छे से दोहराया है, पढ़ा है, समझा है, तो आज भी इसकी एक नई मशक को दोहराते हैं कि कहीं हम ये मशक तो नहीं भूल गए हैं। तो जनाब, हमारे पास सफ़ा खुल गया है 52, और इसमें मौजूद है ग्रामर की एक्सरसाइज। जी, ग्रामर की मशक मौजूद है, जिसमें हमने पढ़ा था कि हर जानवर की, हर परिंदे की कोई ना कोई आवाज़ होती है, और उस आवाज़ के बारे में हमने लिखा था, मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें थी, और जी जानवरों के नाम थे, उनकी हमने आवाज़ें निकाली थी और आवाज़ों के बारे में लिखा था। तो जनाब, फिर बता दीजिएगा मुझे कि किस जानवर की क्या आवाज़ है, और ये आवाज़ें आपको लिखना भी आनी चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं, लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना है, तो लिखने की मशक ज़रूर करेंगे आप। मैं यहाँ दोहराऊँगी, बोलूँगी, लेकिन आप वीडियो देखने के बाद इन सारी आवाज़ों को अपनी रफ कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है जनाब? चले जी, यहाँ देखते हैं, मुर्गी बोली। अब बताइए भाई जनाब, मुर्गी कैसे बोलती है? कुकड़ू कू, या फिर कुकड़ 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 कू, कुकड़ 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 कू। बोलने में तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन लिखना भी आता है, है ना? लिखने की प्रैक्टिस करनी है जी जनाब, लिखने की मशक करनी है। कुकड़ 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 कू, मुर्गी बोली कुकड़ 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 कू, या फिर कुकड़ कू। जी जनाब, जैसे आपकी मुर्गी बोलती है वैसे ही लिख देंगे आप। और इसके बाद हम देखते हैं आगे, तोता बोला। तोता कैसे बोलता है भाई? टें 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 टें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमारा तोता बोलता है टें 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 टें। बोलना बहुत आसान है, लेकिन लिखने की मशक करनी है आपने, ठीक है जनाब? चलिए जी आगे, बोला कबूतर। बोला कबूतर कैसे बोलता है भाई? कभी देखा है आप लोगों ने? गुटड़गू गुटड़गू गुटड़गू। जी जनाब, गुटड़गू गुटड़गू। लिखने की मशक करनी है जी, लिखने की मशक ज़रूर करनी है, भूलना नहीं है। बिल्ली बोली। हाँ भाई, बिल्ली तो मुस्तकिल बोलती रहती है बाहर, कैसे बोलती है? जी जनाब, म्याऊ म्याऊ बोलती है हमारी बिल्ली। बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ। और जनाब, हमारी मासूम सी बकरी क्या बोलती है? क्या बोलती है भाई, कैसे बोलती है बकरी? मैं। जी मैं। जी जनाब, मैं बोलती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, मुर्गी बोली कुकड़ू कू, तोता बोला टें टें टें, कबूतर बोला गुटड़गू गुटड़गू, बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ, और बकरी बोली मैं। जी जनाब, हमने जानवर की आवाज़ें निकाल ली, लेकिन लिखना भी है अभी जी, रफ कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है जनाब? नीचे ही मौजूद है हमारे पास, हमने जानवरों की आवाज़ों पे लिखी थी नज़म, बड़े मज़े की नज़म हमने लिखी थी तहरीकी लिखाई में, तो उसको भी जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि हमें ये नज़म भी याद हो जाए कि हमने कितने अच्छे से, कितनी आसानी से, कितने मज़े से कहानी, नहीं कहानी नहीं बल्कि नज़म लिखी थी। जी जनाब, तो देख लीजिए क्या नज़म लिखी थी, दोहराते हैं। मुर्गी बोली कुकड़ू कू, मुर्गी बोली कुकड़ू कू,
बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, मुर्गी बोली कुकड़ू कु, बिल्ली चील से मैं न डरूं, मुर्गी बोली कुकड़ू कु, बिल्ली चील से मैं न डरूं। कबूतर बोले हूँ हूँ हूँ, कबूतर बोले हूँ हूँ हूँ, मानो बिल्ली से मैं क्यों डरूं, जी मानो बिल्ली से मैं क्यों डरूं। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, चूहे मियां को मैं क्यों बचाऊं, जी हमने बनाया था चूहे मियां को मैं क्यों बचाऊं। तोता बोला टैं टैं टैं, आओ मिलके सब खेलें, आओ मिलके सब खेलें। बकरी बोली मैं, बकरी बोली मैं, घास को खाऊं मैं, घास को खाऊं मैं। जी जनाब, हमने लिखी थी ये कहानी नहीं बल्कि नज़म लिखी थी, बड़े मज़े की नज़म थी, और इसमें हमने सारी आवाज़ों के बारे में भी लिखा था जनाब। तो अब क्या करना है, हमने तकनीकी लिखाई भी कर ली, दोहरा लिया है, ग्रामर भी दोहरा लिया है, अब क्या करना है, अब है आपका काम, क्योंकि हमने ज़बानी दोहराया है, लिखा नहीं है। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, रफ कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से लिखने आ जाए, सारे अल्फाज आपको अच्छे से लिखने आ जाए, पढ़ने आ जाए। उसके बाद काम चेक कराइएगा अपनी टीचर को, नहीं भाई सबसे पहले मम्मा बाबा को कराएं कि अगर कोई गलती हो गई है तो वो उसे सही कर दे, ठीक कर दे, आप दोबारा से प्रैक्टिस करो, उसके बाद सही करके लिखिएगा, और अपनी टीचर को अपने काम की पिक्चर सेंड कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ, अल्लाह हाफिज़।